मैंगो फेस्टिवल में देवगढ़ और रत्नागिरी के आम उत्पादक लेकर आ रहे हैं विश्व प्रसिद्ध कोंकण का राजा हापुस आम। मैंगो फेस्टिवल में हापुस आम देखने, खाने और खरीदने आप सभी परिवार सहित सादर आमंत्रित हैं। आयोजक है आशीष जायसवाल, विश मास्टर इवेंट। अरे मैं तो चला। अरे कहाँ, मुझे भी ले चलो आम खाने। मध्य प्रदेश के बुरहानपुर के शिकारपुरा थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले प्रतापपुरा में 48 घंटे से लापता बच्ची का मिला शव। क्षेत्र में मची हड़कम, बच्ची के गले में लगातार फंदा। पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल पहुंचाया गया शव। बुरहानपुर शहर के शिकारपुरा थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले प्रतापपुरा में एक नाबालिग बच्ची लापता होने की सूचना शिकारपुरा थाने में दर्ज की थी। पुलिस ने शव सीसीटीवी कैमरे खंगालने के बाद 48 घंटे में बच्ची का प्रतापपुरा क्षेत्र में चामुंडा माता मंदिर के पास मिला शव। मौके पर पहुंचे एसपी देवेंद्र पाटीदार, एडिशनल एसपी अंतर सिंह और शिकारपुरा थाना पुलिस मौके पर पहुंची। वहीं क्षेत्रवासियों की काफ़ी भीड़ लग गई। नाबालिग बच्ची के शव की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंचा डॉग स्क्वाड। वहीं डॉग स्क्वाड ने जांच शुरू कर दी। मौके पर पहुंचे अधिकारियों ने भी पूछताछ शुरू की। हम आपको बता दें कि बुरहानपुर के शिकारपुरा थाना क्षेत्र के प्रताप नगर के पास चामुंडा माता मंदिर के पीछे बच्ची का शव मिलने पर क्षेत्र में हड़कंप मच गया। अधिकारी जाँच में जुट गए है। यह मामला 48 घंटे पहले का है। 48 घंटे के भीतर मिला नाबालिग बच्ची का शव, जिसको लेकर पुलिस ने पूरी छानबीन करने के बाद 100 से अधिक सीसीटीवी कैमरे भी खंगालने शुरू कर दिए थे। जिसके बाद पुलिस को सूचना मिली कि वहां पर एक शव पड़ा हुआ है। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को बरामद कर बुरहानपुर के जिला अस्पताल में भिजवाया गया। से दो दिन पहले जो एक दुखद घटना थी, हमारे यहाँ पर एक जो 6 वर्ष की मासूम बालिका थी, उसकी मिसिंग सूचना थी, जिसपे हमने प्रकरण पंजीबद्ध किया था। लगातार 2 दिनों से पुलिस उसमें तमाम एंगल से उसकी तलाश के प्रयास कर रही थी। सर्चिंग अलग अलग जगह पे करनी थी, बाकी के लिए हम जनता का सहयोग लेकर भी उसको ढूंढने का प्रयास कर रहे थे। आज दिन में 12:30 बजे के बाद एक बेड स्मेल के पास में उस घटना स्थल के आसपास की सूचना मिली थी, जिसमें निकाला तो एक खंडर सा जो मकान है, क्योंकि काफ़ी समय से बंद पड़ा हुआ है, उसके अंदर नीचे के वहाँ पर जो उसका कचरा टाइप का था, वहाँ पर एक बॉडी टाइप मिलने का जो संज्ञान में आया पुलिस के द्वारा, उसमें उसको निकाला गया है। उसी बच्ची की प्रथम दृष्टया उसके परिवारजनों ने उसको पहचाना है। पोस्टमार्टम के लिए बॉडी को हमने शिफ्ट किया है। FSL की टीम भी आ रही है और पोस्टमार्टम करने की प्रक्रिया चल रही है। बॉडी जो मिली है वो बहुत ही संदिग्ध परिस्थिति में मिली है। कहीं ना कहीं पूरा अपराध घटित होने की प्रवणता उसके अंदर उसकी हो रही है। जैसे ही पोस्टमार्टम रिपोर्ट होगी, शीघ्र ही हम अगली वैधानिक कार्रवाई करेंगे, किंतु हम सस्पिशियस और अन्य एंगल्स के ऊपर हमारी टीमें त्वरित रूप से कार्य कर रही है। उसमें कुछ अभी सारी की सारी चीजें उसमें चल रही है।